हाय टू फैमिली, आपका स्वागत है बबीता किचन में। आज हम बना रहे हैं नए तरीके से स्नैक्स। अब आलू आलू में कद्दूकस कर लेंगे। ऐसे मैं सारे आलू कर लूंगी कद्दूकस। आलू इसलिए कर रहे हैं जिसे गिल्ट ना आए आलू में। धनिया डालेंगे, प्याज काट के रखा था वो, मक्के के दाने, मटर। अब डालेंगे काला नमक, अमचून, दो चम्मच डालेंगे अरारोट। अब अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज को अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। अब सारी सब्जियां मिल गई हैं, हम मिला लिया। एक मेरे को पन्नी लेनी है, उसमें अच्छे से तेल लगा लेंगे। पन्नी के अंदर तेल लगा लेंगे तरीके से। अब सारा इसी पन्नी में डालेंगे तरीके से। अब इसी तरीके से फैला लेंगे हम पन्नी में। ज़्यादा पतला करना नहीं है, मोटा मोटा रखना, जो हमारा पीस अच्छे से कट के आ जाए। अब इसी तरीके से कर लेंगे। अब हमारा ये बन के तैयार हो गया। 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख रहे हैं, जो हमारा ये एकदम से आलू सेट हो जाए, फिर कटने में आसानी रहे। एक चम्मच हम अरारोट लेंगे, 1.5 चम्मच, और 1.5 चम्मच ही मैं मैदा लूँगी घोल बनाने के लिए। हल्का सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, कुटी हुई मिर्च डालेंगे। अब इसका घोल बना लेंगे थोड़ा पानी डाल के। इतना हिसाब से बनाना है जो हमारा डिप करके अच्छे से डिप हो जाए इसी तरीके से। अब हमारा घोल बन के हो गया तैयार। इतना गाढ़ा बनाना है। अब फ्रिज में रख दिया था, अब सेट हो गया। अब इसको पन्नी हटा के देखेंगे। अब हम करेंगे कटिंग। मीडियम साइज के पीस बनाने हैं इस हिसाब से। तरीके से पीस बनाने हैं सारे, ऐसी कटिंग कर ले रही हूँ। अब हमने कटिंग कर ली है इस तरीके से। ऐसा हमारा पीस रहेगा। और इसमें तेल डालेंगे। हमारे सारे स्नैक्स बन के हो गए तैयार। अब करेंगे फ्राई, लेंगे एक एक करके डालेंगे। कम गैस में सेक लेना। चला लेंगे तरीके से। और इसे कम गैस में ऐसी धीमी आंच में फिर क्रंची से होने देंगे। अब हमारे स्नैक्स हो गए हैं तैयार, क्रंची क्रंची से। हम इसको निकाल ले रहे हैं। हमारे स्नैक्स बन के हो गए तैयार। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
दो रेसिपी बनी, देखिए।